एक दिल वादे हैं दो, किसे चुनू किसे तोड़ दूं। एक राह पर मोड़ हैं दो, किस पे चलूं किसे छोड़ दूं। वक्त बड़ा नाजुक है ये, और है मुश्किलें बहुत। फैसला जो भी करूंगा टूटेगा ये दिल बहुत। अबीर बेटा, मामू आप इतनी रात को सोए नहीं? केतु, केतु ठीक है ना? बेटा अब कौन ठीक है या कौन ठीक रहेगा ये सब तेरे ही हाथ में है। काश मुझे पता होता कि मैं तेरे और मिष्टी के लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं तू सच कह रहा है। मैं जानता हूं मिष्टी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने हालत देखी है उसकी। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा बेटा। आई नो मामू, आई नो। और मैं ये भी जानता हूं कि तू भी केतकी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं केतु के लिए कुछ भी कर जाऊंगा मामू। तो बेटा राजकोट छोड़ के मत जा। केतकी को इस हाल में छोड़ के इस नाजुक मोड़ पे तू भी चला गया ना अबीर, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामू। जब तक मेरी बहन विदा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा रहा। मिष्टी के लिए भी नहीं? उसकी चिंता है मामू, लेकिन मैं उसका ख्याल रख लूंगा। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बेटा तू हम सबके लिए अकेला ही काफी है, लेकिन ये मत सोचना कि मिष्टी अकेली है, तेरा मामा उसके साथ है। थैंक यू मामू, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिष्टी शादी में ज्यादा पार्टिसिपेट करे। मैं जानता हूं आपको ये। बेटा सही गलत की बात है ही नहीं, पर ऐसा होगा कैसे? तू सोच, अरे केतकी की बड़ी भाभी है वो, क्या ये बात मिष्टी को सही लगेगी? मिष्टी की तबीयत बहुत खराब है मामू, अगर वो चाहे भी तो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं उसे समझाऊंगा कि उसे आराम की जरूरत है। और वैसे भी मैं ये बात सबसे कहना चाहता था, आप यहाँ आ गए तो सबसे पहले आपसे कह दिया। आई नो बाकी सब इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे स्पेशली। अब कुछ मत बोल बेटा, तुझे जिनकी चिंता है ना उनसे मैं बात करूंगा। मिष्टी भी इस घर की बेटी है, अगर उसे आराम की जरूरत है तो उसे आराम मिलेगा। लेकिन तुझे कभी भी अपनी बहन और पत्नी के बीच में चुनना पड़े ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। थैंक यू, मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि मैं केतु और मिष्टी के बीच में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाऊंगा। कुणाल को आज की अपडेट दे देती हूँ। अंदर आ जाऊं? हाँ माँ, ऑफ कोर्स आइए ना। मेरी अभी अभी निर्मला जी से बात हो रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि तुम और मिष्टी वरुण और करण जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम दोनों एक ही घर में पली बड़ी नहीं होती तो तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। पर हाँ, तुम दोनों में एक समानता जरूर है कि तुम दोनों ने एक ही घर के बेटों को पसंद किया है। माँ सुनो तो, तुम्हें ये लगता है, तुमने कहा कि मिष्टी बीमार होने का नाटक कर रही है। इनफैक्ट तुमने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? और तुम्हारी भाभी नंबर वन सबसे बड़ी अटेंशन चोर नंबर वन है। हाँ, मिष्टी अटेंशन चोर नंबर वन है। माँ ये सब तुम इस घर के कुछ नियम और कानून है, ध्यान से सुन लो। को दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपस के मतभेद आपस में ही रखते हैं, बाहर वालों को नहीं बताते। माँ वो तो वरुण मेरे पास आया था इसलिए मैं। इसलिए तुमने वरुण से मिष्टी की शिकायत करनी शुरू कर दी। ये बचकानी हरकतें बच्चों पर अच्छी लगती है, राजवंश परिवार की बहुओं पर नहीं। मुझे लगा कि तुम बड़ी हो गई हो, जिम्मेदारी लेने के लायक हो गई हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो दुनिया से मिष्टी की बुराई करने में इतनी बिजी हो कि तुम्हें बड़े होने का समय ही नहीं मिला। सॉरी माँ, पर एक बार मेरी बात तो सुन ली। तुम सुनो, दुनिया वालों की नजर में मिष्टी मेरे बेटे अबीर की पत्नी है। उन दोनों को पति पत्नी की नजरों से देखा जाता है।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मिष्टी की वजह से दुनिया मेरे बेटे, मेरे घर, मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोले। तुम्हें और मिष्टी को लड़ना है, झगड़ना है, जो करना है करो, लेकिन लड़ाई का शोर घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं। हम अने बीजी बात, अब इस बारे में अपडेट्स कुणाल को मत देना। अब तक तुमने जो मदद की उसके लिए थैंक यू, आगे मुझे जो करना है मैं खुद करूंगी। माँ, माँ, मिष्टी कैसा लग रहा है? जैसे लाइफ मेरे साथ मजाक कर रही है अभी। अभी प्लीज मुझे कह दो कि कल रात जो हुआ वो कोई बहुत बुरा सपना था। प्लीज कह दो कि वो लड़का वरुण का भाई नहीं है। मिष्टी, आई नो कि मुझे इस सच को एक्सेप्ट करना होगा, पर अभी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मिष्टी, लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन पास्ट के बारे में सोच सोच के खुद को स्ट्रेस देना ये भी सही नहीं है। तो क्या करूं? स्ट्रेस ना लूं अबीर? हाउ? मैं ये पेन किसी को दिखा नहीं सकती, मैं सच भी किसी को नहीं बता सकती, मैं वरुण को फेस नहीं कर सकती, मैं उसे अवॉइड भी नहीं कर सकती अभी, पर मैं करूं क्या? मिष्टी, मिष्टी, तुम्हें उसको फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मामू से बात कर ली है, वो माँ से बात कर लेंगे कि तुम्हें शादी का हिस्सा नहीं बन पाओगी। लेकिन अभी केतु की शादी है, पर मैं वरुण को भी फेस नहीं कर सकती, और अगर मैं उसके सामने गई तो? अरे वरुण बेटा आओ, जय श्री कृष्ण, आओ ना। अरे देखो तो कौन आया है। वरुण, जय श्री कृष्ण। हाय खेतकी। हाय। 100 वर्ष आयुष्य। आइए, अचानक आना हुआ? आंटी, एक्चुअली हमारे घर पर पेंटिंग का काम चल रहा है, मैंने सोचा खेतकी के आने से पहले मैं हमारा रूम रेडी करवा दूं, पर पेंट के स्मेल से मुझे बहुत एलर्जी है। मैं पास के होटल में रहने वाला था, पर मैंने कहा कि जब आपका इतना बड़ा घर है तो आप होटल में क्यों जाएंगे। बिल्कुल सही किया। आइए वरुण, आइए, आप यहाँ बैठिए। बैठिए। आप नाश्ता करेंगे ना? ऑफ कोर्स मासी, अगर आपके हाथ का हो तो। बैठिए। अभी बैठिए। कुछ दिनों की बात है, शादी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम कोई डिसीजन ले लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोल, मैं ऐसा कुछ भी है जो तुम नहीं कर सकते? है ना, मैं उड़ नहीं सकता, एक पहिए वाली साइकिल नहीं चला सकता, पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। तुम सब ठीक कर देते हो अबीर, थैंक यू। एंड आई विश, मैंने तुम्हें ये सब परेशानी में डाला ही नहीं होता, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, मुझ पे इतना अत्याचार करना बंद करो और आंखें बंद करो। Come on, close your eyes. अगर आप मेरे घर का खाना खाएंगे तो यहीं के बन के रह जाएंगे। मैं तो यहीं का होने आया हूँ आंटी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब? घर जमाई का स्टेटस। It's a joke. Joke. मिष्टी भाभी कैसी है? उठो, आंखें बंद। Ta-da! Na na na. श्रीखंड और पुरी को देखकर इतना इमोशनल रिएक्शन पहली बार किसी ने दिया होगा। मिष्टी, तुम्हें पता है मेरी खुशी तुमसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर तुम हंसती हो तो मैं खुश होता हूं,
बेसिकली मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, समझे आंगरी चोरनी? Yes, अजीब राजवंश, थैंक्स फॉर एवरीथिंग अबीर, लेकिन आई फील हमें ब्रेकफास्ट नीचे सबके साथ करना चाहिए। लेकिन मिष्टी अबीर, मुझे वरुण को फेस करने में प्रॉब्लम है, बाकी घर वालों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं जितना टाइम हो सके इस फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ अबीर, नीचे चलें प्लीज। ठीक है तुम चलो, मैं सब कुछ वापस रखवा के आता हूँ। मिष्टी ही मुझे माँ से वो रिस्पेक्ट दिलवा सकती है जो उसकी वजह से खोई। तुमने मेरी बात पे ध्यान ना देकर गलती कर दी मिष्टी। तुम्हारा सच अब सबके सामने आने वाला है मिष्टी, अब तुम छुप नहीं पाओगी। तू बीमार है या फिर कोई एक्टिंग कर रही है, तो सच्ची है या फिर से ये कोई तेरा ड्रामा है, जो कुछ भी है सच तक तो मैं पहुंच जाऊंगी और एक बार फिर से माँ मुझ पे ट्रस्ट करेगी। इस घर की बेस्ट बहू मैं हूं और मैं ही रहूंगी। माँ को पता होना चाहिए कि वो मुझ पे डिपेंड कर सकती है। करण भैया के बाद अब मेरा घर बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे पहले होता था। लेकिन बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं यहाँ पर पूरे दो दिनों तक रहने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। अरे मिष्टी भाभी, अबीर भाई, आ जाओ आ जाओ। वरुण अगले दो दिनों तक हमारे साथ हमारे घर पर ही रहने वाले हैं। हबी नंबर वन, आप तो ऐसे चुप हो गई है जैसे कोई भूत देख लिया हो। I know भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे देखकर ना लोग अक्सर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, my good looks, पर हाँ मेरी फैमिली में सबसे गुड लुकिंग तो मेरे करण भैया ही थे। हाँ यस यस, हमने देखी थी फोटो उनकी। काश आप उनसे मिली होती। ओह भाभी नंबर वन, आप तो वाकई में डरी हुई लग रही हो, जैसे कोई मर्डर मिस्ट्री हो और आपने जिसका मर्डर किया हो वो वापस लौट आया हो। नहीं नहीं मिस्ट्री क्यों किसी से डरेगी, आओ बेटा। अच्छा बैठे बैठे, अब कैसा लग रहा है? ठीक है मासी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है उसे ऊपर ले जाना चाहिए। एक बात बोलूं, तबीयत खराब हो तो अकेले रहने से मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। हो सकता है भाभी हम सबसे बातें करेंगी तो उन्हें बेटर लगेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण। मिष्टी थोड़ी देर बैठो सबके साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा। भाभी नंबर वन, आई एम सॉरी, वो मर्डर मिस्ट्री वाला जोक लगता है आपको बुरा लग गया। नहीं नहीं वरुण जी, वो आप मिष्टी को ज्यादा जानते नहीं है ना, अभी तो बीमार है वो, वरना दिन भर हंसती हंसाती रहती है। ऑफ कोर्स, पर मुझे लगा कि भूत वाली बात से भाभी थोड़ी डर गई। नहीं नहीं, इस घर के एक एक सदस्य के लिए एक भूत तो क्या, भूतों की फौज से भी लड़ना पड़े ना तो मिष्टी बेझिझक लड़ेगी। बहुत हिम्मत वाली है हमारी मिष्टी। वाओ, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भाभी से डरना चाहिए। हाँ, why so डर? आपने ऐसा क्या किया है जो डरोगे? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर आगे का प्लान तैयार है। प्लान तैयार है। It's a joke. अब सिर्फ बातें ही करनी है या खाना भी खाना है? कुछ नाश्ता मिलेगा मासी? हाँ। वैसे अबीर,
मिष्टी आज कल से बेहतर लग रही है। हाँ लेकिन अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल है। वरुण आप शुरू कीजिए खाना, मैं बस आती हूँ अटेंड करके। भाभी नंबर वन, सुबह सुबह टू मेनी जोक्स हो गए ना। आई एम सॉरी, हाँ आदत से मजबूर। इट्स ओके वरुण। हेलो मंदार से मेरी दोबारा बात नहीं हो पाई है मैम। फिर मुझे क्यों कॉल किया? एक मिनट रुको। लैपटॉप भी बंद है, हैशटैग यूजलेस। कोई आ रहा है, अब इसे कहां छुपाऊं? हेलो हेलो हेलो। मैंने करण सोनी के बारे में पता लगाया। पुलिस के हिसाब से उसकी मौत नशे में सिर के बल गिरने से हुई है और पोस्टमार्टम में भी यही निकला है मैम। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मतलब उस केस के बारे में कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता है। तो फिर मंदार से मिलो और पता लगाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि मिष्टी ने हॉस्पिटल से जो एक्सीडेंट केसेस के डिटेल्स मांगे थे उसमें करण का नाम है कि नहीं। इट वॉज अ जोक। केतु तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुम्हें वरुण जी जैसा जीवन साथी मिला। मुझे पता है वरुण जी तुम्हें हमेशा हंसाते रहेंगे। पूरी कोशिश करूंगा मासी। अगर करण भैया होते ना तो मेरे जोक्स की पोल खुल जाती। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो कभी चुप बैठ ही नहीं सकते थे, बहुत बातें करते थे, सबको हंसाते थे, गेम्स खेलते थे। I'm sorry, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा अपने करण भैया के बारे में ही बोलते रहता हूँ। वो ही इतने औसम। तो सॉरी क्यों बोल रहे हो वरुण? अब ऐसे गेम खेलने में हम राजवंश ब्रो एंड सिस भी चैंपियन है। क्यों अबीर भाई, वरुण को दिखा दे। केतु मिष्टी की तबीयत ठीक नहीं है ना, और गेम्स की एक्साइटमेंट में कहीं उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए, इसीलिए। अबीर तबीयत तो मिष्टी की खराब हुई है ना, तू तो अच्छा है ना। मिस्टी को अपने कमरे में जाके छोड़ के आ, हम सब बैठ के बातें करते हैं। अबीर मम्मी ठीक कह रही है। करण भैया होते ना तो आपका हाथ पकड़ के आपको यहीं पर बिठा लेते और आपको इतना हंसाते कि आप अपनी बीमारी बीमारी सब भूल जाते। उन्हें चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते थे, और अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो वो किसी न किसी तरीके से उसे हासिल कर ही लेते थे। पर अफसोस उस रात किस्मत ने उन्हें हरा ही दिया। अब मिष्टी की सच्चाई इस लेटर की वजह से बाहर आएगी। अबीर प्रो फिर से मिष्टी के पीछे क्यों भाग रहे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं बेटा, वो मिष्टी की तबीयत खराब है। बस करो, एक और बार अगर मिष्टी की तबीयत के बारे में किसी ने भी बात की ना तो अब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। निधि, वरुण बेटा, तुम्हारी निधि आंटी को भी मजाक करने की बहुत आदत है। निधि, जिस बारे में हमें कुछ भी ना पता हो ना उस बारे में बात नहीं करती। हम सब ने कल रात को देखा कि मिष्टी की क्या हालत थी। बीमारी तो आराम करने से ही ठीक होती है, और इसीलिए मिष्टी ऊपर चली गई। वरुण बेटा, तुम्हारी बातों की वजह से नहीं। थैंक यू अंकल। मिष्टी 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 रिलैक्स मिष्टी, सांस लो मिष्टी, रिलैक्स मिष्टी, रिलैक्स, सांस लो, रिलैक्स। आई कांट इवन इमेजिन जब वरुण करण के बारे में बात करता होगा तो तुम पे क्या बीतती होगी। बट यू नो मिष्टी, अभी मासी ने भी कहा तुम कितनी स्ट्रांग हो,
अगर घर पे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए ना तो उससे अकेले ही डील कर सकती हो तुम। हुआ करती थी अभी, अब नहीं हूँ। मिष्टी, तुम मेरी एंग्री चोरनी हो। तुम्हारा एंगर अभी रेस्ट कर रहा है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन कम नहीं हुआ। आई नो इट। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।